वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कायदे आजम यूनिवर्सिटी के कुछ फैकल्टी मेंबर्स से जो पिछले तकरीबन 40 दिन से सरापा एहतजाज हैं, और ये लोग अपने मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे, स्पेशली वाइस चांसलर के हवाले से कि पिछले आज से कुछ 4 महीने पहले जो है वो स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पे सरापा एहतजाज थे, और अब जो है ये इनकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये इतने अरसे से आप लोग सरापा एहतजाज हैं, क्या आपकी कोई सुन नहीं रहा या क्या इशू क्या है कि ये तो जमहूरी हुकूमत है तो जमहूरियत में तो ये इस तरह के इश्यूज बड़े जल्दी सुने जाते हैं? जी बिल्कुल, यही उम्मीद लेके हम निकले थे इस प्रोटेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटेस्ट हमने स्टार्ट किया जैसे ही सेमेस्टर ब्रेक स्टार्ट हुई, 3 हफ्ते की सेमेस्टर ब्रेक थी और हम डेली हम मार्च करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा ख्याल था कि ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है और इसकी फैकल्टी रिनाउंड है, कैपिटल में है, प्रेसिडेंसी के करीब हैं, HEC के करीब हैं, मिनिस्ट्री के करीब हैं, तो इन्हीं सेमेस्टर ब्रेक में हमारी सुनवाई होगी, हमारी बात सुनी जाएगी और उस पर कुछ एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। इनिशियली ये तासर हमें मिला, हमें जो बलीग रहमान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इन वाइस चांसलर साहब के बहुत से मसाइल हमसे ज़्यादा उनके इल्म में हैं और वो इमीडिएट किसी सियासी मसरूफियत के बाद इसका हल निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और उन्होंने हमें दावत दी थी कि आप भी आएँ। अब ये नहीं मालूम कि इस अरसे में हमारे प्रोटेस्ट के दौरान क्या कोताही हमसे हुई या क्या प्रायोरिटीज़ उनकी बदली हैं। नहीं, लेकिन बलीग साहब भी कह रहे हैं कि इस इनके VC साहब के बहुत सारे मसाइल हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, आपने कहा कि चांसलर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी गालिबन इनको जो है वो रिमूवल की सिफारिश की, तो फिर ये क्या वजह है कि एक शख्स जो है उसको इतने लोग रिमूव नहीं कर पा रहे? देखें, यही कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे कुछ कॉलीग जो यहाँ बात कर रहे थे कि ये शायद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को अब सरकारी सरपरस्ती से महरूम करने की कोशिश हो रही है और हायर एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज़ करना चाहते हैं। हायर एजुकेशन डिग्री की हद तक तो शायद तालीम प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर तालीम प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ रिसर्च और क्रिएटिविटी वो नहीं ला सकता, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हुकूमत को ही बर्दाश्त करना होती है। तो ये शायद अपने सर से बर्डन उतारने की बात है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ, शायद बाकी मुल्क के इलाकों में भी ये सलूक हो रहा हो, लेकिन हमें तवक्को नहीं थी कि कैपिटल में और फेडरल में मुल्क की टॉप रैंक। कल की कोई खबर थी कि कोई आप लोगों के कोई पैचअप की तरफ से की तरफ आप लोग जा रहे हैं, तो कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है कोई पिछले 1-2 दिन में? पैचअप जब हमारी डिमांड जिससे हमारे केस से सब एग्री करते हैं, इस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी से बाहर कोई फ़र्द ऐसा नहीं मिला जिसने हमारे इस केस से एग्री नहीं किया हो। चेयरमैन HEC ने मीडिया के सामने 150 फैकल्टी मेंबर्स ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, उन्हें कहा कि यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई है और वाइस चांसलर साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। सर, यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई है, इतनी अहम यूनिवर्सिटी और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सारे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बड़े मुकद्दस हैं, लेकिन स्पेशली इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो फैसला साजी के अमल में लोग बैठे हैं वो यहाँ से डिग्रीज ले जा चुके हैं, पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, तो फिर ये यूनिवर्सिटी क्यों तबाही की तरफ जा रही है? देखिए, तबाही की तरफ इसलिए जा रही है, हम समझते हैं यूनिवर्सिटियों की अपनी एक्ट है, कौमी असम्बली से पास है, सेंडिकेट है, फिनांस एंड प्लानिंग कमेटी है, एकेडमिक कौंसल है। हम चाहते हैं कि इस फोरम के ज़रिए, इज्तिमाई बसीरत के ज़रिए यूनिवर्सिटियों के बारे में फैसले किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये जो वाइस चांसलर यहाँ बैठ रहा है, जहाँ सेंडिकेट में जिसमें इलेक्टेड मेम्बर भी है, नॉमिनेटेड भी, जहाँ जो फैसले होते हैं उससे बिल्कुल हट के उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, झूठ बोला जाता है, उसको टैम्परिंग होती है, फिनांस एंड प्लानिंग कमेटी में होती है। हम समझते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है टीचर निकले हुए, ये स्टूडेंट के लिए, ये अपने बच्चों के लिए, हम चाहते हैं कि ऐसे वाइस चांसलर। स्टूडेंट्स तो सर कोई एक अलग किस्म का मौकफ दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई ज़ाया हो रही है और हमारे प्रोफेसर साहबान जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट का मौकफ जो है वो शायद समझते नहीं है, हम उनसे, हमने अभी तक उनको इस बार बात, हम उससे मुलाकात करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे। बात यह है कि टीचर्स के लिए नहीं है, बात स्टूडेंट के लिए, इदारे के लिए है कि आप जो है, जो फोरम्स है, जो एक्ट में है, उसके मुताबिक फ़ैसले करें, अपने फैसले, अपने ज़ाती फैसले जो है न मनवाए यूनिवर्सिटी पे, ना इम्पोज़ करें। पूरे पाकिस्तान में हमारा यही मुतालिबा है कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट शफाफियत की बुनियाद पर, ये जो वाइस चांसलर, इसका आप रिकॉर्ड उठा के देखें, इसको निकाला जा चुका है BA कराची से और इसको यहाँ ला के इम्पोज़। 4 साल हो गए हैं इन VC साहब को इस यूनिवर्सिटी में, तो आखिरी 6 महीनों में ही क्यों स्टूडेंट्स को भी याद आया कि इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट
करें और आपको भी याद आया, अभी तो वैसे भी शायद वो जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आप चार साल के रिकॉर्ड उठा ले, जो जो एएससी रही है, जो सिंडिकेट के मेंबर्स रहे, हर मौके पे इन्होंने कंप्लेन की है रिटर्न में कि हम आपको सबूत दे सकते हैं, एचएससी को की है, प्रेसिडेंसी को की है और तमाम लोगों को इतला दी है कि ये देखिए एकदम आप तहरीक नहीं चला सकते, इसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड होता है, जो इसका मनफी बैकग्राउंड है वो आके आप नहीं, अब तो मेरे ख्याल से वैसे भी इनका टाइम पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि टाइम अगर पूरा भी है इसको जाना चाहिए, अखलाकन स्टूडेंट्स इस खिलाफ इन्होंने स्टूडेंट ने एहतजाज किया, टीचर्स कर रहे हैं, अखलाकन इसको छोड़ना चाहिए, पोस्ट एडवर्टाइज भी उसकी कोई माना नहीं है, इसको जाना चाहिए और एक ऐसे सही बुनियाद पे एक ऐसे वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो इस अहम इदारे को सही तौर पर चला सके। जी सर, आप बताइएगा कि आप पिछले दौर में भी यूनियन के गालिबन आप सदर भी रहे, और क्या पिछले दौर में भी आप लोगों ने कोई इस तरह के जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट नहीं किए कि आप के ये मसाइल सुने जाते, बजाय इसके कि ये आज आखिरी लम्हात पे जाके इस तरह के मसाइल आपने हाईलाइट किए? ये तसर दुरुस्त नहीं है कि दो मतलब छः महीने आखिरी जो है इन वाइस चांसलर के खिलाफ ये कम्पेन शुरू हुई है। मैं जिस वक्त प्रेजिडेंट था एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का, सितंबर 2016 के अंदर पहला एहतजाजी मुजाहरा हुआ है इस यूनिवर्सिटी में इस वाइस चांसलर के ख़िलाफ़। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के साथ इससे पहले ऐसा किया नहीं जाता था। फैकल्टी का बाहर निकलना, अकामे बाला इसको समझते थे कि अब इस वाइस चांसलर या जो भी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तब्दीली का वक्त है, क्योंकि फैकल्टी पर एतमाद किया जाता था, फैकल्टी को ये एहतजाज नहीं करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर अभी आपको ये तसर दिया गया कि शायद बसें हमने रोकी हुई हैं, बसें रोकना इतना ज़रूरी है इस वक्त कि जब हमने क्लासों का बाइकाट किया हुआ है तो इसका मतलब वाकई आपने रोकी हुई हैं। मैं बताता हूँ आपको क्यों रोकी हुई हैं। अब ये यहाँ पे इस वाइस चांसलर का एक ट्रिक है, वो वालदेन को बताना चाहता है कि आप अपने बच्चों को भेजें, क्लासें हो रही हैं, हम तो क्लासें नहीं ले रहे, तो बसें जाके जब बच्चों को ले आएंगी, क्लासें यहाँ पर नहीं होंगी, बच्चे क्या करेंगे? देखें ना, बस ही तो उनकी क्लासों को इंश्योर नहीं कर सकती, उनकी क्लासों को किसने इंश्योर करना? आप लोगों ने एक ये तासुर भी दिया ना कि क्लासेस को आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया और बच्चों को भी आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सिर्फ ये आपका अपना प्रोटेस्ट है सिर्फ फैकल्टी का। तो क्लासेस भी डिस्टर्ब हो रही हैं, बसेस भी नहीं चल रही, स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं, तो क्या आने वाले सेमेस्टर्स जो हैं वो लोगों के डिस्टर्ब नहीं हो रहे? नहीं, जिसको जहाँ इस बात को जहाँ से भी पकड़ लें ना, क्लासें हमारी टोटल ड्यूटी का 10% है, 90% जो हमारी ड्यूटी है रिसर्च सुपरविजन एमफिल पीएचडी वो सारा काम हम कर रहे हैं इस वक्त। सिर्फ हमने क्लासरूम टीचिंग बंद की हुई है ताकि कोई हमारी तरफ तवज्जो तो दे, मतलब हम क्या हैं, हम इस नंबर वन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं और कोई और चीज़ उस यूनिवर्सिटी में नंबर वन नहीं है, फैकल्टी ही नंबर वन है, उसकी जो ओपिनियन है उसकी अगर, मतलब वीसी साहब को भी अगर लगाया गया तो नंबर वन समझ के ही लगाया गया होगा, इतने नंबर वन हैं, यकीन करें कि अभी मैं दावे से कह रहा हूं कि वो अपना डोजियर जमा करें फैकल्टी मेंबर बनने के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन बोर्ड उनको नहीं रखेगा। जिस शख्स के क्रेडेंशियल्स एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इतने हों कि वो एक फैकल्टी पोजीशन पर ना आ सके तो हुकूमत क्या करती है, उसको तमाम फैकल्टी मेंबरों के ऊपर बिठा देती है। और इनको इनको अभी तक ये महसूस नहीं हो रहा कि ये जो फैकल्टी जब तक इसकी बात सुनी नहीं जाएगी और जब तक इसकी बात मानी नहीं जाएगी उस वक्त तक ये जो यूनिवर्सिटी है अब चलने की नहीं है। क्यों सर, क्या कोई प्रोसीडिंग्स हुई आपकी हुकूमत के साथ, जिस तरह इन्होंने कहा कि बलीगुर रहमान साहब ने भी कहा कि ये वीसी साहब जो हैं ये कसूरवार हैं और इनको जाना चाहिए यहाँ से, इसी तरह चांसलर साहब की कमेटी ने भी रिकमेंड यही किया कि इनको जाना चाहिए, तो फिर ये क्या इशू है कि क्या कोई वीसी साहब बहुत मजबूत हैं, क्या इनका तारुफ क्या है, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, पहली बात तो ये है कि सतम ज़रीफ़ी है कि इस मुल्क में कोई भी काम कराना हो तो एहतजाज करना पड़ता है और अल्टीमेट पॉइंट पर जाना पड़ता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि वाइस चांसलर, इसका सीवी तो हमें नज़र आया कभी नहीं है और इनकी परफॉर्मेंस भी इसी तरह, तो एक हमें वो खुद क्लेम करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये दुरुस्त है कि नहीं, जिस दिन वो पहली दफ़ा आए थे और उस दिन से लेके आज तक वो कहते हैं कि सदर साहब के साथ मेरा पर्सनल तल्लक है, उन्होंने मैंने जब अप्लाई किया तो मतलब सदर साहब काम करते हैं। हाँ, ये तो इसी तरह हमें तो फील हो रहा है, हमारे लिए तो बहुत काम उन्होंने कर, एक तासर ये है ना कि वो काम नहीं करते। ना ना बिल्कुल, वो क्योंकि चांसलर है और सदर साहब का साथ वो अपने तल्लक का बात करते हैं और शायद वही
وجہ ہے کہ ان کو رکھا جا رہا ہے, باقی اللہ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کیا ایک قسم کا ٹرک ہے کہ یہ ابھی تک یہاں آ بھی. ایٹ لیسٹ آج یہ ثابت ہو گیا کہ صدر پاکستان بھی بڑے مضبوط ہیں, کہ ان کی ان کا لگائی ہوئی پوزیشن جو ہے وہ کوئی ابھی تک ہلا نہیں. کہ ہمارے چانسلر ہیں, ہم تو ان کو ان کی پوزیشن کو انڈورس ہی کریں گے. ہمارے چانسلر بھی ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور ایز این اکیڈیمک میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بالکل پوزیشن کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ پریکٹیکل ہے. تو کیا ابھی کیا آپ لوگوں کی کہ اگر لیٹ سے آنے والے کچھ دنوں میں بھی آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ دیکھیں, لایا عمل ہمارا تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے تو پروٹیسٹ پہ آ گئے اور ہم آج نہیں آئے. آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ کمیٹیز کی, ہم نے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں کی ہیں. پھر تاثر دیا جاتا ہے کہ فیکلٹی ڈیوائڈیڈ ہے, کوئی ڈیوائڈیڈ, پچھلی دفعہ کوئی اور پریزیڈنٹ تھا, آپ کوئی اور ہے, مختلف جس طرح ہمارے گروپس ہوتے ہیں اس میں ہے, سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, ہم نے ان کو کہا کہ ہم کلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے. جب انہوں نے نہیں سنا تھا, ہم نے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا. اب جب ہم کلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے تو نیچرلی ایڈمنسٹریشن بند ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ ایک نمبر ون یونیورسٹی کو اسی طرح تباہ کرنا چاہتی ہے جس طرح آپ کا پی آئی اے اسٹیل مل ٹائپ ادارے تباہ ہوئے ہیں, یا اس کو بچانا چاہتی ہے. ہاں, اگر گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اور اس کو تباہ کرنا, جس طرح بھی آپ کو دیکھا وہاں اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ہمیں پڑھائیں, ہمارا کنسرن ہے اسٹوڈنٹ پڑھانا, مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹ کو جب ہم پڑھا رہے ہیں. کیا لایا عمل صرف یہیں تک ہے کہ کلاسز سے آپ نے بائیکاٹ کر دی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کریں گے؟ دیکھیں, اب ہم تو اپنا پروٹیسٹ آپ کے سامنے تھرو بھی نوٹ کروا رہے ہیں, ہم ان کو لیٹرز بھی لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ہمیں راستہ دکھا دیں, ہم اس پہ بھی جانے کے لیے تیار ہیں. آئی مین کہ یہ آپ کا پیک لیول ہے, یا کوئی ایسا پلان آپ کا تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کے دھرنا دینے کا؟ ہم ڈی چوک میں گئے تھے, ہم نے دھرنا دیا, مگر ہم اکیڈیمکس ہیں, ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ جا کے وہاں پہ ڈیلی. اگر ہماری طرف گورنمنٹ کو توجہ وہاں بھی نہیں دی اس نے, یہاں تو اب دے گی. اگر نہیں دیتی تو پھر تو گورنمنٹ کے کچھ اور عزائم ہے کہ نمبر ون یونیورسٹی کو ختم کیا جائے اور پرائیویٹائز کیا جائے یا کچھ اور ہو. اب یہ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے انویسٹیگیٹو جو جرنلسٹ ہیں وہ پوچھیں گے جا کے منسٹر صاحب سے کہ جب آپ کے پاس رپورٹ آ گئی ہے 2017 کی, ابھی تک آپ کیوں عمل نہیں کر سکے, کیا وجہ ہے کہ آپ کی فیکلٹی بیٹھی ہوئی, آپ ان سے بات نہیں کر پا رہے, اور جب آپ ان کو ملتے ہیں اس وقت آپ کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کوشچنیبل ہیں اور بات بن رہی ہے. دوسری طرف جو میں ایک بات یہاں کلیئر کروں, وہاں بھی آپ نے کہا کہ جب اسٹوڈنٹس کا آپ کہہ رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہتے ہیں, مگر ہم ایسے وقت ماحول میں نہیں پڑھانا چاہتے کہ میری کلاس سے اسٹوڈنٹ کو کھینچ کے باہر نکالا جائے اور اس پہ تشدد کیا جائے اور اس میں خدا نخواستہ اسٹوڈنٹ کی جان چلی جائے. یہ ہمارے ابھی ایگزامینیشن میں ہوا ہے, اس کے بعد فیکلٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہڑتال. کیا ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی لڑائیاں ہوتی ہیں جو یہ ہینڈل نہیں کر سکے. پچھلے دھرنے بھی ابھی ریسنٹلی ہمارے ایگزامز ہو رہے تھے اور یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں آج تک ایسا نہیں ہوا. ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر گئے ہیں اسٹوڈنٹس, انہوں نے دوسرے اپنے کلیگ کو وہاں سے ڈریگ کیا ہے اور اس کو مارا ہے. جیسے جو اسٹاف کی گاڑیاں تھیں وہ توڑی گئیں. کیا ایسی انسیکیور ماحول میں ہم پڑھا سکتے ہیں؟ اس کے بعد ہماری جنرل باڈی میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے کہا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے جب تک ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں. اور جب لیکن جو احتجاج کا کانسیپٹ ہے وہ تو اگر ٹیچرس بھی احتجاج کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی تو ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہے یونیورسٹیز میں کہ پہلے آپ کے اسٹوڈنٹس احتجاج کرتے رہے, آج آپ لوگ کر رہے ہیں, کل پھر اسٹوڈنٹس اسٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے خلاف. تو یہ کوئی اس طرح کی ایک نیگیٹو پریکٹس نہیں پروموٹ ہو رہی یونیورسٹیز میں؟ پریکٹس نہیں ہوگی, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا ہیلدی سائن ہے. دیکھیں, آج اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کل ہم کوشش کریں. بہت ساری چیزوں میں دیکھیں اسٹوڈنٹس بھی خوش نہیں ہوتے نا, تو الٹیمیٹلی ان کا تو پھر یہی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے. آپ جواب تو پہلے سن لیں نا جی. یہ بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو نیا ہمارا وائس چانسلر ہوگا وہ رول اس کے اوپر چلے گا, ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح بہیو کریں گے. اس یونیورسٹی میں آج تک کوئی اسٹوڈنٹ نے یہ پروٹیسٹ نہیں کیا کہ ہمارے ٹیچرز ہمیں پڑھا رہے ہیں نہیں ہیں یا ہمیں فیل کیا ہے. ہم بڑے کانشیس ہیں اپنے اس معاملے میں. اس لیے اسٹوڈنٹ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے خلاف تو ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا کہ وہ سڑکوں پہ نہ آئے. ہاں, اگر وہ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آج ہم لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے اس وجہ سے کہ دور راست ہو, اس کے نتائج نکلیں. ہم بالکل یہ نہیں, ہمارے خلاف اسٹوڈنٹ بالکل پروٹیسٹ نہیں کرتے. ہاں, اگر میں نہیں پڑھا رہا ان کو, ان کا رائٹ ہے وہ پروٹیسٹ کریں اور گورنمنٹ یا یونیورسٹی میرے خلاف ایکشن لے اور مجھے نکالا جائے. مگر اس طرح کہ اگر میری اے ایس سے کال کرے گی تو اس کے علاوہ میرے پاس اور وے آؤٹ کوئی نہیں ہے. کیا پروٹیسٹ کے علاوہ جب میں نے لیٹر لکھا میرے اے ایس اے نے چانسلر کو, پرو چانسلر کو, چیئرمین ایچ ایس سی کو, ہمارے ساتھ پرائیویٹ پبلک میٹنگ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کی بنائی ہوئی کمیٹی ایک بندے کو کہتے ہیں کہ از انکیپیبل ٹو گورن دی یونیورسٹی, کیا اس کے بعد بھی ہم پروٹیسٹ نہیں کریں؟ بتائیں ہم کیا کریں, آپ ہمیں کوئی راستہ دکھا دیں. نہیں, آپ کے بعد ٹھیک ہے, لیکن میرا کنسرن یہ ہے
कि क्या अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप सेटिस्फाई कर पाएंगे इसके बाद कि अगर वो भी प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो आप क्या ये कोई एक रीत नहीं स्टार्ट हो जाएगी कि बस सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करके अपने मसाइल हल कराने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अशरफ है और मैं फवासा इस्लाम आबाद चैप्टर का प्रेजिडेंट हूँ। यहाँ पे जो आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, देखिए एक बात तो ये एहतजाज जो है ये एक डेमोक्रेटिक राइट है और ये कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस एहतजाज पे कायदे आज़म की फैकल्टी आई क्यों। यानी आप देखें सवा साल पहले की एक जो चांसलर साहब की अपनी ही एक कमेटी की जो रिकमेंडेशन हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, उसके बाद बारी बारी इन लोगों को हकामे बाला को बारी बारी मैसेज पहुँचाया गया, लेटर्स लिखे गए कि ये यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, लेकिन उसके पर किसी किस्म का अमल नहीं किया गया। तो फाइनली इस जामिया को बचाने के लिए जो असातिज़ा सामने आए हैं इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं फवासा लेवल पे। चूँकि अगर मैं पाकिस्तान की जामियात की बात करूं तो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद जो कैपिटल की जामियात, तकरीबन सारी जामियात में ही एक दो जामियात छोड़ के बाकी सारी जामियात में अनरेस्ट है। वहाँ के जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं वो सही तरीके से अपॉइंट नहीं हुए, यानी यहाँ सारी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं, मैं कहूँगा अक्सर कहूँगा। मसलन कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है? मसलन आप देखें, अगर मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इस वक्त वहां पे 3 वाइस चांसलर्स हैं। अगर मैं कॉमसेट्स की बात करूं तो वो पिछले 1.5-2 साल से वहां पे एक्टिंग रेक्टर हैं। अगर मैं बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 4 साल का टेन्योर होता है और वहाँ पर प्रेजिडेंट को 6 साल का टेन्योर दे दिया गया। इसी तरीके से बाकी जो जामियात हैं, ये कुछ चीदा जामियात की बात की तो सारी जामियात में जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो जामियात के एक्ट का है। यानी पहली बात ये है कि वाइस चांसलर उसका कानून में कोई अमेंडमेंट की जरूरत है? जी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि जामियात में वाइस चांसलर्स अपॉइंट कैसे होंगे। यानी वो बंदा जो एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का हल नहीं है, उस बंदे को आप यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना देते हैं और ये सिर्फ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। क्या आप लोगों ने कोई ऐसी रिकमेंडेशंस प्रेजेंट की पार्लियामेंटेरियंस को कि इस एक्ट को जो है अमेंड करके इसमें ये चीज़ें शामिल की जाएं? जी जी बिल्कुल, हमने बल्कि अपने कौमी असम्बली से पिछले दिनों जो कॉमसेट्स का बिल है उसके ऊपर हमने अपनी रिजर्वेशन दी और उन रिजर्वेशन पर जो कॉमसेट्स का नया कॉमसेट यूनिवर्सिटी का बिल पास हो रहा था वो रुक गया और इंशाल्लाह वो अब हमें उम्मीद है कि अब वो जो हमने अमेंडमेंट्स दिए हैं उनके बाद ही वो होगा। अच्छा, इसमें देखें यूनिवर्सिटीज़ में जो आपका यूनिवर्सिटी को रोज़मर्रा के मामूलात चलाने होते हैं वो सिंडिकेट ने चलाने होते हैं। अच्छा, अगर सिंडिकेट की फंक्शनिंग ठीक ना हो या सिंडिकेट के अंदर कुछ लोगों को वाइस चांसलर से प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ जाएँ? अब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहाँ पर सेनेट है ही नहीं, यानी अब किसके पास जाएंगे जी? चांसलर के पास। चांसलर साहब लिफ्ट नहीं करवाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम इसी तरीके से ये जो एक मुजाहरा किया है, असातिज़ा है ना, हम कुछ और तो नहीं करेंगे, किसी से लड़ाई मार कुटाई तो नहीं करेंगे, हमारा तो यही काम है। हम अपने पहले इन्हें अपना मैसेज जबानी देंगे, फिर रिटर्न देंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम कहीं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैठ जाएंगे। सर, फाइनल वर्ड्स, क्या डिमांड है आपकी? फाइनल वर्ड्स, एक मिनट। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड ये है कि ये भाई चांसलर साहब रिजाइन कर लें। अब तो यह है कि अब तो एक और भी मतलब आप कहते हैं कि तो नवाज शरीफ साहब की तरह वो भी रिजाइन कर लें बजाय इसके कि उन्हें निकाला जाए और फिर वो भी एक नई तारीख शुरू करें और कहें कि मुझे क्यों निकाला? अब तो एक और भी चीज आसान हो गई है, कल एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, 17 का डेट उसकी लास्ट ये है, 17 अप्रैल लास्ट है, 17 के बाद 13 दिन और काम करें, उसको प्रोसेस कर लें। एक महीने की बात, सवा महीने की बात है, सवा महीने में इसको छुट्टी दे दें, इसको तनख्वाह दें, इसको घर दे दें, हर चीज दे दें। क्यों भाई, मेरे टैक्स का पैसा इनको क्यों दें अगर आप कहते हैं कि घर बैठ के वो पैसे लें? क्यों? देखिए, बात उसूली है कि वाइस चांसलर ये यूनिवर्सिटी नहीं चला सका है, एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि उनको घर बैठ के तनख्वाह दें। भाई, टैक्स का पैसा तो आवाम का है, मेरे मैं तो अलाउ नहीं करूंगा किसी को मेरे टैक्स का पैसा किसी को घर बैठ के। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो सारी फैकल्टी उससे नाखुश है, स्टूडेंट नाखुश है, गवर्नमेंट ने पोस्ट एडवर्टाइज की है तो ही शुड गो। जी, मैं 2-3 चीज़ें जो आपने पूछी उनको इंक्लूड भी करूँगा इस वक्त, आपके पास टाइम कम है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को अहमियत दी और इसको मीडिया पे लेकर आ रहे हैं और हमारे लिए ज़रिया बन रहे हैं कि हुकाम बाला तक पहुँचाएँ।
جہاں تک آپ نے اسٹوڈنٹس کا کہا یہاں یاد رکھیے گا سیمسٹر سسٹم ہے, ہم باؤنڈ ہیں وہ نمبر آف کریڈٹس آر پورے کرنے کے جو ہم آج کریں یا کل کریں. ہاں ان کا تھوڑا سا ٹائم آگے ضرور جائے گا لیکن تعلیم کا خرچ بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور یہ جو فیکلٹی ہے وہ پورا کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے سینئر کا اگر میرے ساتھ کوئی ایشو ہے تو میں اس سے سینئر سے رابطہ کرتا ہوں. اس وقت معاملہ چیئر کا نہیں ہے, چیئرمین کا نہیں ہے کہ میں ڈین سے رابطہ کروں, معاملہ ڈین کا نہیں ہے کہ میں وائس چانسلر سے بات کروں, معاملہ ہے وائس چانسلر کی انکمپیٹنسی کا, ارریگولیریٹیز کا, انفیشنسی کا, اور وہ اوور دا ٹائم یہ چیز کنفرم ہوئی ہے مختلف فورمز پہ. ہم کم از کم بھی یہاں کیبنٹ کے لوگ اس کو کنفرم کریں گے کہ تین لیٹر پریزیڈنسی کو لکھ چکے ہیں ہم, پرو چانسلر جو ہیں منسٹر صاحب وہاں پر کم از کم بھی دو لیٹرز اور ان سے رابطہ بھی کر چکے ہیں, اور ہم نے اس وقت پروٹیسٹ شروع کیا جب کلاسز بالکل نہیں تھیں, کسی نے توجہ نہیں دی, ہمیں مجبور کیا گیا, فرسٹریٹ کیا گیا, ہمیں مجبوراً کلاسز کا بائیک آؤٹ کرنا پڑا, اور اس کے بعد جب ہمیں اس سٹیج پر لے کر آئے کہ ہم نے پچھلے دو ہفتے یہ کلاسز بسز بھی چل رہی تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا لیکن ہمیں مجبور کیا, کسی نے بات نہیں سنی, اس کے بعد ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر ہمیں یہ لاک ڈاؤن کی طرف آنا پڑا. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف جو ہے نا لمحہ فکریاں نہیں ہیں بلکہ شاید یہ موقع ہے, جسے کہنا چاہیے مقام شرم ہے حکام بالا کے لیے کہ اتنی عام چیز کو ابھی تک انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. جی ناظرین ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ہے وہ فیکلٹی ممبر سے, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بات کی اور ان کے مطالبات بھی آپ نے دیکھے کہ ان کے مطالبات ہیں کہ فوری طور پر وائس چانسلر کو جو ہے وہ یہاں سے اس یونیورسٹی سے فارغ کر کے نئے وائس چانسلر کو اپوائنٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون ہے یونیورسٹیز ایکٹ ہے اس ایکٹ کو جو ہے وہ امینڈ کیا جائے تاکہ آئندہ جو چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور یونیورسٹیز جو ہیں اور پاکستان کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو غیر سیاسی طور پہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. تو دیکھتے ہیں کہ حکومتی جو نمائندگان ہیں اور جو صدر پاکستان ہیں وہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کتنی جلدی ان کا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں تاکہ یہ احتجاج اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو اور یونیورسٹیز کا باقاعدہ ایک قانون جو ہے وہ اس کو امینڈ کیا جائے اور اس کو بہتر کیا جائے تاکہ جو چانسلرز اور اس وائس چانسلرز اور اس طرح کی جو اپائنٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز کی وہ نیوٹرل اور بہتر طریقے سے اور کمپیٹنٹ جو لوگ ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ تعینات کیے جا سکتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میرا خیال, آئندہ ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے. بہت بہت شکریہ.